हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुनीता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे आप सब। फ्रेंड्स, मुझे चैलेंज दिया गया था टाइट हैंकी फेस कवर होम क्लीनिंग का, मैंने वो वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ उसे पूरा वॉच करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये वीडियो कैसा बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। और मुझे सपोर्ट करिएगा और चलिए अब वीडियो को वॉच करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास हैंकी नहीं थी इसलिए मैंने इस दुपट्टे को लिया और इससे अपने फेस को कवर कर लिया। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊँगी, मैंने दो गांठें लगाई हैं इसे टाइट कवर करने के लिए अपने फेस को। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टे से अपने फेस को कवर कर लिया है और मैंने जूड़ा बनाया है, मैंने बाल को खुला नहीं रखा है। फेस को कवर करने के बाद मैं इस तरह से दिख रही थी और मैं अब क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मच्छरदानी को खोल लिया था और बेड को क्लीन कर रही थी मैं। मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड करके बाहर रख दिया है। अब पीलो को मैं साइड में रख के और बेडशीट को सही करूंगी, उस पर जितना भी डस्ट होगा उसे क्लीन करूंगी और फिर मैं अपने जो पिल्लो हैं उन्हें लगा दूंगी। मेरा ये डेली का काम है, मैं जब भी सुबह सो के उठती हूँ तो पहले मैं मच्छरदानी को खोल के और बेड को क्लीन कर लेती हूँ, फिर पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैंने इस ब्लॉग को होली से पहले ही शूट किया था पर मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए अपलोड भी नहीं कर पाई और काफ़ी दिन बीत गया इसे अपलोड करने में। और आज मैं खाली थी तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को एडिट करके इसे अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद है कि वो कौन है, पर किसी ने मुझे ये चैलेंज दिया था और कि आप अपने फेस को हैंकी से कवर करके और होम क्लीनिंग का वीडियो बनाइए, तो मैंने उनका ये डिमांड पूरा कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने रूम में झाड़ू लगा दिया है, मैं पहले रूम में ही झाड़ू लगाती हूँ फिर मैं किचन में झाड़ू लगाती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं होम क्लीनिंग का और मैं बन बनाकर और फेस को कवर करके उसका वीडियो बनाऊं, ताकि जो हम लेडीज़ लोग धूप में निकलते हैं बाहर तो किस तरीके से अपने फेस को हम कवर करके बाहर निकलें, और जूड़े के साथ मैं उसका भी वीडियो कुछ दिन में बनाऊंगी। मैं बारी बारी जो भी कमेंट आया है, रिक्वेस्ट आया है, मैं उन पर ब्लॉग बनाऊँगी और फिर उसे अपलोड करूँगी। और प्लीज़ आप पूरा वॉच करके मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। रुपेश और छवि छत पर थे, हस्बैंड सोए हुए थे और बच्चे जब भी सुबह उठते हैं उन्हें स्कूल जाना होता है तो नहीं, अगर वे स्कूल नहीं जाते हैं तो वो छत पर जाते हैं। और मैंने जितने भी गमले लगाए हैं उन सभी गमलों में वो पानी डाल देते हैं कि मैं सुबह में पानी डाल दूंगा और आप शाम को पानी डाल दीजिएगा। अब गर्मी का सीज़न है इसलिए पौधों में हम दो दो बार पानी डालते हैं कि पौधे सूखे ना, उनमें कम मिट्टी होती है इसी वजह से हम दो टाइम पानी डालते हैं पौधों में। मैं कुछ दिन में अपने पौधों का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या पौधे लगाए हैं, उनमें से फूल आते हैं या नहीं आते हैं, मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, सिर्फ बरामदा बाकी रह गया था और मैं अब बरामदे में भी झाड़ू लगाऊंगी। मुझे झाड़ू लगाते वक्त थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से और दरवाजे के पीछे चारों तरफ से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे झाड़ू लगाने में। मैं छत पर भी झाड़ू डेली लगाती हूँ पर आज जो है आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, आज सुबह से ही लू चलने लगा था और लू काफ़ी गर्म था और इसलिए मैं आज छत पे झाड़ू लगाने नहीं गई, वरना मैं डेली छत पे झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं फ़ोल्ड किए हुए कपड़े को इस सेल्फ़ में रख देती हूँ और जब सुबह होती है तो सेल्फ से निकाल के सारे कपड़ों को मैं अलमारी में लगा देती हूँ। और ये मेरा डेली का है, मैं कभी कभी ही रात को ही लगा देती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है तो मैं सुबह में अलमारी में लगा देती हूँ सारे कपड़ों को। ये बहुत ज़्यादा कपड़े थे और होली के बाद मैंने इन्हें इकट्ठा ही वाश कर दिया था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके वाश नहीं किया था इसलिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। और मैंने बारी बारी सबको फोल्ड करके इसे अच्छी तरीके से लगा के रख दिया। उसके बाद मैंने घर की डस्टिंग शुरू कर दी क्योंकि मैं पोछा लगाने से पहले पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ
और सारे टेडीज़ को निकाल के मैं अच्छी तरीके से डस्ट को साफ़ करती हूँ। और ये गीला कपड़ा है, बहुत गीला नहीं है, थोड़ा हल्का ही गीला है। और मैं अभी मैं साफ़ ही की थी तो इतना डस्ट नहीं था, बस मुझे हल्का हल्का साफ़ कर लेना था। और ये हल्का ही गीला है इसलिए मैं इसे बस हल्के हल्के साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि गंदगी ज़्यादा नहीं थी इसलिए मुझे टाइम भी नहीं लगा क्लीन करने में अपने होम को। मैंने सेल्फ़ ड्रेसिंग टेबल, बेड और जितनी भी तस्वीरों को मैंने लगाया है, फ़ोटो फ्रेम, टीवी, इन सभी को पर डे मैं इनकी डस्टिंग करती हूँ। और इन्हें डस्टिंग के बाद हल्के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि ये इस पे जितना भी डस्ट हो वो सूखे कपड़े से झड़ जाए, और गीले कपड़े से एक बार पोंछने से इस सब में चमक आ जाती है। और मैं बेड्स के किनारों को भी साफ़ करती हूँ, और लास्ट में मैं कैबिनेट को साफ़ करती हूँ। जितने भी शाम को बच्चे जितनी भी चीज़ों को रख देते हैं इस पे, ग्लास हो गया, कंघी हो गई, या और भी कोई छोटे मोटे आइटम हो गया, कैंची वगैरह हो गया, तो मैं उन्हें पहले कैबिनेट में लगाती हूँ, फिर उनको अच्छी तरीके से उसका डस्टिंग करती हूँ और गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। रूम की डस्टिंग हो जाने के बाद मैं लॉबी की डस्टिंग करती हूँ। मैंने जो हैंगिंग फ्लावर को लगाया है उनके फ्लावर्स और लीव्स से मैं सारे जालों को साफ़ करती हूँ। पर डे क्लीनिंग करने से ज़्यादा जाले तो नहीं रहते हैं, पर हल्की हल्की डस्टिंग हो जाती है। और क्योंकि जो हमारे इस फ्लावर के ऊपर का एरिया है वो ओपन है, वहाँ से डस्ट आता है, और डस्ट तो इस पर डेली हो जाता है। मैं जितना भी क्लीन करती हूँ फिर भी इस पर डस्ट रहता ही रहता है, तो ये एरिया मेरा ज़्यादा गंदा रहता है। और मैं इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ, और फिर मैं अपने लिविंग एरिया का डस्टिंग करती हूँ। मैं ऊपर से डस्टिंग शुरू करती हूँ, और जितने भी ऊपर मैंने सेल्फ पे जितने भी सजावटी चीज़ रखे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो उन्हें थोड़ा केयरफुली मुझे डस्टिंग करना होता है, क्योंकि वो मिट्टी के हैं और डस्टिंग करने में ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, इसलिए मैं थोड़ी सावधानी से उसकी डस्टिंग करती हूँ। और फिर फ़ोटो फ्रेम की और खिड़कियों की मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि खिड़कियों में अक्सर जाले पड़ जाते हैं, बाहरी एरिया का है, क्योंकि बाहर मैंने कुछ प्लांट्स लगा के रखे हैं, प्लांट्स की वजह से थोड़े जाले यहाँ जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए मैं खिड़की की डस्टिंग डेली करती हूँ। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, और किचन तो मेरा क्लीन ही हो रहता है वैसे, पर मैं गैस को पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं सेल्फ़ की क्लीनिंग करती हूँ। और मैं गैस के नीचे का एरिया होता है उसकी क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ, क्योंकि चाय बनाते वक्त अक्सर छोटे बर्तन में चाय बनाते वक्त चाय गिर जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे दाग धब्बे ना रह जाए, मैं इसलिए गैस के नीचे का एरिया पर डे क्लीन करती हूँ। अब फिर ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, क्योंकि रात को ही मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर लिया था, थोड़े बर्तन रह जाते हैं तो मैं उसे सुबह क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, मेरे सारे वीडियो को फुल वॉच करिए। मैंने किचन की भी क्लीनिंग कर ली है, जितने भी बर्तन थे उन्हें साफ़ कर लिया है। अब मैं लास्ट में पोछा लगाती हूँ, जब मैं पोछा लगा लेती हूँ उसके बाद मैं नहाने के बाद पूजा हो जाती है, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो मैं सिर्फ झाड़ू लगाने के बाद ही बच्चों का टिफ़िन बना देती हूँ, पर जब बच्चे घर पे रहते हैं उनकी छुट्टी रहती है तो मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा के जब नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तब किचन में जाती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरा रूटीन हो जाता है, और बच्चे घर पे रहते हैं तो रूटीन दूसरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं थोड़ा हमें भी रिलैक्स मिलता है कि क्लीनिंग और डस्टिंग के बाद ही किचन में जाती हूँ, वरना तो सुबह ही किचन में जाना पड़ जाता है। मैंने रूम और किचन में पोछा लगा लिया है, और अब आगे वाले रूम में मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरे कॉलोनी के आगे एक बहुत बड़ा फील्ड है, होली ब्लॉग में मैंने उस फील्ड को आपको दिखाया है, और बच्चे सुबह ही चले जाते हैं वहाँ पे, खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और इसलिए घर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि दोनों बच्चे इस वक्त वहीं पर हैं और मैं क्लीनिंग अच्छे से कर ले रही हूँ। वैसे तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं जब मैं पोछा लगाती हूँ, अगर बच्चे घर में रहते हैं तो मैं उन्हें छत पे भेज देती हूँ या बिस्तर पे बैठा देती हूँ, क्योंकि ये टाइल्स है, ये बहुत तेज़ी से स्लीप करता है, इसकी वजह से मैं बच्चों को ऊपर या बेड पर ही बैठाई रहती हूँ कि जब पोछा सूख जाए तब आप सब बाहर निकलना। और ये जल्दी सूख भी जाता है, बरसात में थोड़ा टाइम लगता है, बट इस समय में ये सूख जाता है जल्दी से। मैंने लॉबी और सीढ़ी के नीचे का एरिया मैंने इस सब में पोछा लगा दिया है, और अब मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर का जितना भी एरिया है मैं वहाँ पोछा लगा लूँगी।
और मैं जो भी रूम में पोछा लगाती हूँ उसके लिए दूसरे पोछे का इस्तेमाल करती हूँ, और जो ये बाहर का बरामदा है मैं यहाँ पे दूसरे पोछे का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बाहर शूज़ और स्लीपर रखती हूँ और कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पर ही वो शूज़ या स्लीपर निकालता है, तो मैं इसलिए यहाँ बाहर के लिए मैंने दूसरा कपड़ा रखा है पोछा लगाने के लिए, और रूम में मैं दूसरे कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने क्लीनिंग तक का ही ब्लॉक सूट किया है, मैं इसके आगे का ब्लॉक सूट नहीं की हूँ, सिर्फ मेरा ये क्लीनिंग का था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।